अब ने बजाओ विपिन बंसिया। सुनो जो जो किरदार है क्रांति प्रकाश का, वो जो घर दिखाया गया है, मेरा खुद का नानी का घर है वो। क्यों नया आदमी आपका हमार काज बिगाड़ते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाए। सबसे बड़ी खासियत ये है, मैं फिल्म को देखा वहाँ पे पटना में फेस्टिवल में दिखाया गया था। उनका रहा कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि उसमें नहीं है, सारे सब्जेक्ट हैं। माँ ये क्या कर रूम से? तो हर दादाजी के हत्या भेल छले। जो नौरस होते हैं उसको जीने का मौका मिलता है और किसी भी क्षेत्र में नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मिलकर करना पड़ते, लागा पड़ते, भीड़ा पड़ते, सबके मिलकर माइट खोना पड़ते। हमरा ले कहाँ का कोनो सवाल है, हम एकदम उपस्थित रहो। वेब सीरीज जैसा कुछ नहीं होता, आपको जो किरदार मिला है वो आप काम करो, बाकी उसको हो सकता है कि पर्दे पे दिखाया जाए या मोबाइल। सभी लोग बोलते हैं कि मैं एक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, उनको किसी बहुत अच्छे सेक्रेटिस्ट की जरूरत, मतलब मुझे लगता है होनी चाहिए। बिहार का जो सिनेमा है वो और आगे बढ़ेगा और उभरेगा। तो थैंक यू सो मच नितिन जी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टा फीड में। मैं हूँ दीपाक्षी शर्मा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी फिल्म स्टार कास्ट जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिनकी फिल्म जो है अभी रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सुर्खियां वो बटोर रही है। मैथिली भाषा में उस फिल्म को जो है रिलीज किया जाना है। आपको बता दें हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो मिथिला मखान है, जो कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि रिलीज होने से पहले उन्हें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है वो नितिन झा मौजूद है, क्रांति प्रकाश झा मौजूद है और आपको पंकज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी, यही कि सबकी तारीफ जो है वो करना बनती है क्योंकि हर कोई जो है अपने किरदार को उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप सभी से है कि जब ये फिल्म 2 अक्टूबर को भी रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस फिल्म को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर ये सुर्खियां बटोरी है, तो इसको लेकर आप सभी का क्या कहना है? ये एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैथिली जो है वो मेरी भाषा है, मैं अपने घर में अपने आंगन में अपनी माँ से मैथिली में बात करता हूँ। और नितिन जो है, मेरा ड्रीम था कि मैं नितिन चंद्रा के साथ काम करूँ। मैं काफी सारा इंडस्ट्री के जितने भी उस तरह के ऑफ बीट डायरेक्टर हैं सबके साथ काम किया हूँ, तो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये कमाल की फिल्म बनी है और इसमें क्रांति ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं क्रांति से बहुत कुछ सीखा हूँ इस फिल्म में। इज ए वेरी जो सटल एक्टिंग का जो चीज होता है वो क्रांति से मैंने ऑब्जर्व किया है और नितिन को मैं सैल्यूट करता हूँ, इज जीनियस। नितिन को पता है कि जब केमिस्ट्री, देखो मैं तुम्हारी पेस में बात कर रहा हूँ कि नितिन को पता है कि जब जब एक्टर को हम कितना कंफर्ट करें ताकि वो केमिस्ट्री निकले। डायलॉग मैंने नहीं रखता है सिनेमा में, सिनेमा में एनर्जी मैंने रखता है कि वो एनर्जी फील्ड कैसा बना रहा है डायरेक्टर, तो उसको मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर मानता हूँ। और आज की तारीख में नितिन से बड़ा डायरेक्टर मुझे नहीं लगता है कोई है। जैसा तुमने बोला मैं उसी स्पीड में बोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो तारीफ आप कर रहे हैं नितिन चंद्रा जी की, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि सर आप जो है बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? पता नहीं मुझे कि पंकज सर ये सब कह रहे हैं, पहले उन्होंने तो मुझे नहीं कहा है सामने से, लेकिन हो सकता है कि मन में ऐसी सच्ची भावना आ गई हो मेरे लिए। लेकिन ईमानदारी से फिल्म बनाई है, एक हमारी भाषा में, हम बिहार की जो एक प्रोमिनेंट भाषा है मैथिली, उसमें हम लोगों ने बनाया और सारे अच्छे लोग जुड़े, पंकज झा जी जुड़े, क्रांति प्रकाश झा, अनिता, सब लोग जुड़े, हमारे प्रोड्यूसर समीर कुमार हैं, नीतू चंद्रा हैं, सब लोग आए और एक अच्छी कहानी जो बिहार की पृष्ठभूमि पे बनानी थी हम लोग बना पाए, तो सारा काम अच्छे से हो गया। और नेशनल अवार्ड में जब हमने भेजा था तो वहाँ पे पसंद आई, और अच्छी बात ये हुई कि ये बिहार की पहली नेशनल अवार्डेड फिल्म हुई मैथिली भाषा में, तो मिला जुला के सारा अच्छा काम हो गया। और बाकी मुझे खुद भी नहीं पता है मैं किस तरह का डायरेक्टर हूँ, मुझे बस एक कहानी आ जाती है मन में तो मैं फिर उसके पीछे भागने लगता हूँ, कई महीने कई साल भी लग जाते हैं कभी कभी बनाने में, तो ऐसे ही होता है काम। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, आपने कहा कि मूवी बनाने में जो है वो टाइम लगता है, बहुत सारी चीजों को जो है मेल होता है इस फिल्म के अंदर, तो आजकल के टाइम पे जो है ये फिल्में बड़े पर्दे पर बहुत ज्यादा रिलीज की जाती थी, उसको जो है बड़े पर्दे पर बहुत ज्यादा पैमाने पर दिखाया जाता था, लेकिन
लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो इसके चलते आपकी फिल्म पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं नहीं, हमारी फिल्म पे इफेक्ट अच्छा ही असर पड़ा। बिहार के अंदर खास तौर पे जिस क्षेत्र की ये भाषा है वहाँ बहुत सिनेमा घर नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि लॉकडाउन में ऐसे तो बहुत चीजें बुरी भी हुई, लेकिन जो अच्छा हुआ ये हुआ है कि पूरे कंट्री जो है वो एक तरह से डिजिटाइज हो गई। जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो बहुत, अब जैसे मेरी मम्मी भी पेटीएम से पे करना सीख गई, तो ये एक अच्छा पैरामीटर है समझने का कि लोग जो है काफी चीजें समझ गए, सीख गए और उनको आ गया है करना। और इसी बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने थी और बहुत सारी नई आई, हमारा भी प्लेटफॉर्म नया आया जो video.in जो 2 तारीख को लॉन्च हो रहा है जिसपे फिल्म आ रही है, तो ये अच्छी चीज हो गई। हमें फायदा हो रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, जो कि सिनेमाघर के माध्यम से सिनेमा उतने लोगों तक नहीं पहुंचती थी। तो मेरा जो फिल्म के दोनों स्टार कास्ट है, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है कि फिल्म के अंदर जो है काफी सारी चीजों को दर्शाया गया है, फिल्म के अंदर जो है बिहार में बाढ़ और से होने वाले नुकसान को दिखाया गया और उसके बाद की समस्या को दिखाया गया, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें जो है हमें फिल्म में जो है वो देखने को मिलेगी जो ऑडियंस है उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? इस फिल्म की सबसे बड़ी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं फिल्म को देखा वहां पे पटना में फेस्टिवल में दिखाया गया था, तो मैं ढूंढता रहा, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि उसमें नहीं है, सारे सब्जेक्ट हैं उसमें। जो मिथिला पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग जो विलुप्त हो गई है, मतलब मिथिला का मतलब फेमस है मधुबनी पेंटिंग, वहाँ कोई ऐसा एंगल ही नहीं है इस कहानी के थ्रू, सारे एंगल को टच किया गया है और ये सिर्फ नितिन ही कर सकता है इतना ईमानदारी से। मतलब जो ग्रास रूट पे काम होता है, जो ग्राउंड रूट के काम होता है, वो वाला, मतलब वो सत्यजीत रे स्कूल जो सिनेमा बनता है वो वाला सिनेमा है, और इसको मुझे लगता है कि यही सब कारणों की वजह से इसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो जिस तरह से मेरा पहला जो जब मैंने इस फिल्म को लेकर जो है तारीफों की पुल बांधे, तो उसके अंदर मेरा सवाल यही था जब मैंने बोला कि बॉलीवुड एक्टर जो है ऋतिक रोशन ने भी इस फिल्म की तारीफ की है, तो इस फिल्म को लेकर जो है काफी ज्यादा इस वक्त लोग जो बहुत ज्यादा इसे पसंद करते हुए आ रहे हैं, तो क्रांति जी आपका क्या कहना है जो ऋतिक रोशन का जो रिएक्शन आया है? अरे ये बहुत खुशी की बात है कि भाई इस तरह के चीजों को प्रोत्साहन मिल रहा है, और जब एक बहुत जाने वाने कलाकार इस बात को कहते हैं तो एक तरीके से पुष्टि होती है उस चीज की फिल्म में कंटेंट कितना अच्छा है, और उसके अलावा नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, तो इस तरह से सपोर्ट जो हमारे पूरे इंडस्ट्री से आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही अगर सबका साथ मिलेगा तो फिर बिहार का जो सिनेमा है वो और आगे भी बढ़ेगा और उभरेगा। तो थैंक यू सो मच नितिन जी। तो अब यूपी के अंदर जो है देश की सबसे बड़ी जो है फिल्म सिटी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का जो है बात चल रही है, तो इस चीज को, इस खबर को लेकर आप तीनों एक्टर्स का क्या रिएक्शन है? क्योंकि बहुत बड़ी खबर, बहुत से लोग हैं से रोजगार के तौर पर भी देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि जो उनके वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? ये तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है अगर इस तरह का काम हो रहा है। मुझे तो पूरी दुनिया फिल्म सिटी लगती है अगर इस तरह का काम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अभी सिनेमा इतना बढ़ रहा है, मतलब खास करके जब से ये डिजिटल हुआ है सब कुछ, वेब सीरीज और ये और वो, और नए नए प्रतिभा भी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छा एक्टर है या चार बहुत अच्छा एक्टर है, अभी एक से एक प्रतिभाशाली है दुनिया में लोग, और उन वो सब लोग आएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सुंदर बात है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर है बात। तो नितिन जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर कि एक और दूसरा घर जो है वो मिल रहा है, तो क्या बॉलीवुड का जो है वो बंटवारा नहीं है एक तरह से? बॉलीवुड का बंटवारा, देखिए मैं बताऊं तो मैं बॉलीवुड में काम नहीं करता जी। और मेरा सारा काम बिहार में ही शूट होता है, और मेरे मुंबई में मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस किए हैं, लेकिन मेरे सारा सारी फिल्में मैंने बिहार के गांवों में शूट किया है। मेरी पहली फिल्म थी उसमें भी ये दोनों लोग थे, क्रांति जी और पंकज जी, मेरी दूसरी फिल्म में भी अगेन ये दोनों लोग भी थे और बिहार ही था और बिहार के गाँव ही थे,
तो मुझे बहुत ज्यादा मेरा ओपिनियन नहीं है। और बॉलीवुड की जहां तक बात है, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात है, उत्तर प्रदेश में पिछले 70-80 सालों से वो शूट कर ही रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में और वेब सीरीज, अब क्रांति जी ने कई सारे यूपी में काम किए हैं, पंकज झा जी ने बहुत सारे काम यूपी में, लगातार हो ही रहा है, तो वहाँ माहौल है ही। अब एक क्या है कि अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक जो है बनाने की बात हो रही है कि हम जैसे यहाँ फिल्म सिटीज है कि पूरे चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ है और उसके अंदर चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, तो अच्छी बात है। जरूर ये करने की कोशिश काफी पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब हो रहा है तो अच्छा है, लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मेरा मेरे लिए तो बिहार के अंदर या पूर्वांचल जैसे अगर बलिया या गोरखपुर के गांव में जाके शूट करना, मुझे वहीं पे वो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि फिल्म सिटी के अंदर सब कृत्रिम होगा, सेट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे और मुझे उसमें मजा नहीं आता, मेरे सारे लोकेशन रियल होते हैं। तो लेकिन अच्छा है, कुछ लोगों को जिनको जिनको फायदा होगा वो जरूर उसका फायदा उठाए। और मैं तो फिल्म सिटी बनने का इंतजार मैंने कभी भी नहीं किया है, और मेरे लिए लिमिटेशन कभी भी नहीं है फिल्म सिटी, मेरे लिए तो पूरा बिहार फिल्म सिटी, जो पंकज भैया ने कहा कि सब फिल्म सिटी है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो मैंने अपने घर में, जहां मैं जिस घर में रह रहा हूं, मैंने शूट किया। तो कहानी कहां पे जम जाती है, मैं क्रांति जी को लेके कनाडा गया और हम लोग कनाडा में -10, -15, -35 में शूट कर रहे थे, और हमें वहां के कई बार पुलिस वालों ने भी पकड़ लिया। तो मेरा फिल्म सिटी तो वही है, जहां पे कहानी जम जाए वही फिल्म सिटी, बाकी ठीक है। मेरी कहानी जहां जमती है मेरा फिल्म सिटी वही है। तो क्रांति जी आप बताइए, आपके क्या विचार है, अपने दो दोस्त है वो बहुत खुल के आपके विचार, मतलब अपनी चीजें रखते हैं, तो आप भी कुछ अपने विचार प्रकट कीजिए। सारे विचार तो सर मैंने ये पूछा था कि अब यूपी के अंदर जो है वो फिल्म सिटी बनने जा रही है, सवाल वही है, तो बहुत अच्छी बात है, काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि विकास होगा। और फिल्म सिटी अगर ऐसे कुछ बनाने की मुहिम है तो मुझे उम्मीद है यूपी सरकार से कि वो जल्दी बनाएंगे भी इसको, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। क्रांति जी मेरे एक और सवाल आपके साथ है कि बाबा रामदेव की बायोपिक में आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया, उसके बाद जो है आप कई सारे वेब सीरीज के अंदर आप किरदार निभाते हुए नजर, जब आप कोई भी रोल को चुनते हैं तो उस टाइम पे आप किस चीज को अपने ध्यान में रखते हैं कि मुझे इस किरदार को किस तरह से निभाना है? मैम रोल को हम नहीं चुनते, रोल हमें चुनता है, और उस किरदार के जो भी किरदार हमें चुनता है उसके हिसाब से फिर पूरी उसकी प्लानिंग होती है, फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बतानी है और आपके साथ जनता है वो रिलेट करनी चाहिए, तो मुझे ये बहुत आसान नहीं लगता, लेकिन हाँ एक बार उस पूरी प्रक्रिया में जाने के बाद से चीज़ें अपने आप ही सुधर जाती हैं, तो बहुत मज़ा आता है इस तरह की पूरी प्रक्रिया में। और एक मात्र अभिनय ही ऐसी विधा है जहाँ पर आपको कई तरह के रंग, कई तरह की दुनिया, कई तरह के किरदार और नौ रस को, जो नौ रस होते हैं उसको जीने का मौका मिलता है, और किसी भी क्षेत्र में नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी तो मतलब ये जो किरदार निभाते हैं तो इसको लेकर आपका यही सोच है कि आप जो भी रोल है वो हम लोगों को चुनते हैं ना कि हम उन्हें चुनते हैं, और जिस तरह से आपने वो बहुत ही बेहतरीन है। अब हम लोगों ने देखा है कि कई जो स्टार्स होते हैं, मेरे ये सवाल जो है पंकज जी से, सर मेरे आपसे ये सवाल है कि नए कलाकारों के लिए जो है फिल्म और सीरियल वेब सीरीज में जो काम कर पाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कुछ नए कलाकार होते हैं, तो उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आप ये जो दोनों चीजें हैं, एक फिल्म और एक वेब सीरीज, उसमें क्या डिफरेंसेस उनको ढूंढने चाहिए और किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए? ये हम अलग अलग नाम देते हैं ना, फिल्म वेब सीरीज, जैसा कुछ नहीं होता, आपको जो किरदार मिला है वो आप काम करो, बाकी उसको हो सकता है कि पर्दे पे दिखाया जाए या मोबाइल पे, फिल्म भी हम मोबाइल पे देखते हैं, तो काम करते समय थोड़ी दिमाग में रखेंगे कि हम फिल्म में कर रहे हैं या हम वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, कि वेब सीरीज का एक्टिंग अलग होगा या फिल्म का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप काम कर रहे हो, आप चरित्र को जी रहे हो। और मुझे लगता है कि जो नए लोग को सबसे पहले ने उनको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम इस फील्ड में आ क्यों रहे हैं, मतलब
क्या हमारे अंदर वाकई प्रतिभा है या हम किसी को देख के इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं या वाकई हमारे अंदर में है वो बात। अगर वो लोग एक गलत फहमी में अगर आते हैं तो उनको ही संघर्ष करना पड़ता है और वही तमाम चीजों के शिकार होते हैं जो एक भ्रम में जीते हैं, जो एक गलत फहमी में जीते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है गलत भी हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा। और नितिन जी एक सवाल आपसे भी जुड़ता हुआ आया है कि अब आपने इतनी खूबसूरत फिल्म जो है वो लोगों को दी है जो 2 अक्टूबर को रिलीज होगी, और मैं तो इंस्टाफीड के माध्यम से कहना चाहूंगी ये फिल्म जो है आप लोग देखिए क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो काफी धमाकेदार है, क्योंकि इसके अंदर जो है जमीनी जो जड़ कहते हैं कि हर एक चीज का एहसास आप खुद से होते हुए महसूस करेंगे। तो नितिन जी इसके अलावा और कोई ऐसी फिल्म या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं जिसके लिए फैंस जो है वो इंतजार करना पड़ेगा? हाँ हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं लगातार, और मैं बिहार की भाषाओं में ही काम करता हूँ ज्यादातर, भोजपुरी, मैथिली, मगही, 3 मेजर भाषा है। तो इन तीनों भाषाओं को लेके आगे कुछ कहानियां हैं जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे एक मेरी बैलून नाम से फिल्म है, एक जैक्सन हॉल्ट नाम से एक कहानी मैंने दिमाग में सोचा हुआ है, कुछ स्क्रिप्ट्स मेरी रेडी भी हैं। उसके बाद एक मेरी कहानी है भोजपुर लव्स मिथिला, तो इस तरह की कहानियां हैं जो रेडी हैं, कुछ मैं लिख रहा हूँ और कुछ बायोपिक्स भी हैं बिहार की पृष्ठभूमि पे, कुछ उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की कहानियां हैं। तो हमारा चैनल है यूट्यूब पे बेजोड़, BEJOD बेजोड़ नाम से, और इसी चैनल का एक्सटेंशन है www.bejod.in जिसपे 2 अक्टूबर को फिल्म आएगी। तो यूट्यूब के बेजोड़ चैनल पे जाके लोग हमारा पूरे म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म जो हमने पहले बनाया है वो सब वहां पर है, वो देख सकते हैं लोग। और आने वाले समय में अब क्योंकि अब अपना प्लेटफॉर्म आ रहा है bejod.in, तो मेरे पहली जो फिल्म मैंने बनाई थी देसवा नाम से भोजपुरी में, वो भी उसके ऊपर आ जाएगी महीने भर के अंदर, मतलब मिथिला मखान आने के बाद। तो अब लगातार हमारा आइडिया ये है कि हम लगातार हमारे जो एक्टर्स हैं, जो इतने बढ़िया एक्टर्स हैं बिहार से आते हैं, 2 लोग तो यहीं पर हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बम्बई के अंदर बहुत सारा अपना कुछ कर रहे हैं, कुछ बिहार के अंदर ही है, कुछ यूपी में, कुछ दिल्ली के रंगमंच में, इन सबों को लेके हम अपने यहाँ ही अपनी ही भाषाओं में सिनेमा बना के इस प्लेटफॉर्म पे लाएं और लोग हमारी कहानियां देखें, जैसे बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती करते हैं, वही चीज हम भी कर पाए, तो ये आगे की कोशिश। तो फिल्म को बनाते टाइम आप सबके, आपके और जो पंकज जी है और क्रांति जी है, उनके दिमाग में सब, आपके लाइफ का जो सबसे अच्छा मोमेंट जो है वो फिल्म को बनाते हुए कौन सा रहा? क्योंकि जब फिल्में बनाते हैं तो यादें जो है वो जुड़ती हुई चली जाती है, और आपकी और जिस तरह से मैंने पंकज जी की बॉन्डिंग देखी वो तो काफी जबरदस्त है, मतलब सवाल जवाब का जो आप दोनों की कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छी है, तो आप दोनों बताइए, क्रांति जी आप भी बताइए कि क्या कौन सा खास पल रहा है? ये एक्टर ही लोग बताएं, मेरे लिए तो हर पल खास है, जब जैसे ही टेक ओके हो गया वो खास हो गया। नहीं, मेरे लिए ये खास था कि तो नितिन और क्रांति, नितिन ने फोन किया कि पंकज भाई कहानी है मैथिली का आ रहे हैं सुनाने के लिए, हम लोग घर में बैठे हुए थे तो हमने कुछ कुछ खाना वाना जो भी था हम लोग नाश्ता टाइप था अपना खा रहे थे, फिर नितिन ने हमने कहानी सुना, सुनते हैं जैसे बोले ना मैथिली फिल्म है, और तो मुझे ना मैं कनेक्ट किया कि मुंबई में रहता हूँ और माँ को मिस करता हूँ, और जैसे मैथिली फिल्म हुआ तो मुझे लगा कि मैं बोला कि ये फिल्म इसलिए करूँगा क्योंकि मैं अपने आंगन में अपनी माँ से मैं मैथिली में बात करता हूँ, ये फिल्म मैं जरूर करना चाहूँगा। और उस समय से जो बॉन्डिंग हुआ तो वो होता ही चला गया, मतलब दरभंगा में, फिर क्रांति, फिर वो अब तुमको दिख रहा होगा हमारी केमिस्ट्री, हम लोग कहीं से भी फॉर्मल नहीं है, हमारी बातचीत में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यही फर्क है मैथिली सिनेमा और जो एक हिंदी सिनेमा का जो खाई है ना, कि लोग बहुत ही मतलब इनफॉर्मल, बहुत ही फेक, यू नो, मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि तुमने इतनी फिल्में करी है तुमको थोड़ा सा मेंटेन कर, मैं समझ नहीं पाता क्या मेंटेन करूं, मेरी तो सोच ये है कि फिल्म सिटी का मतलब होता है जो फिल्म सिटी बजाते हैं, बताओ मैं कैसे फेक हो सकता हूँ जी। तो ये जो ये कब हिंदी सिनेमा या लोगों की तारीफ कब आपको फेक बना देता आपको पता भी नहीं चलता,
और फिर आप इतने रूट से कट जाते हो, तो ये सिनेमा मुझे फिर से रूट से मतलब जोड़ गया है। और मतलब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। गूंगे के मुंह सड़करा, अगर गूंगे के मुंह में गुड़ डालोगी ना, उसको पूछोगी कि कैसा स्वाद है, तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा, सिर्फ वो मुस्कुराएगा। वैसा ही हाल है। बहुत शानदार तरीके से जो है पंकज जी ने अपनी बातों को रखा है। अब क्रांति जी आप बताइए कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि फिल्म से वो क्यों कनेक्ट हुए थे, किस तरह से बॉन्डिंग थी, तो आपका क्या विचार है, आप किस तरह से? 100% सच है, क्योंकि जो पंकज भैया कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी भी मातृभाषा, मेरी माँ की भाषा मैथिली है, तो जब मैंने सुना कि मैथिली फिल्म में काम करने का एक अवसर मिलेगा, तो अपने आप ही अपनी माँ से कनेक्ट हो गया, जैसा कि पंकज भैया ने कहा। उसके अलावा क्या है कि आप कुछ जिस जगह से आप आते हैं, उस जगह को आप कुछ दे पाएंगे अपने अपनी कला के माध्यम से, जितने भी आपको आता है। और ख़ास बात जो इस पूरे फिल्म के दौरान थी कि ये फिल्म की शूटिंग जिसमें जो किरदार है क्रांति प्रकाश का, जो घर दिखाया गया, मेरा खुद का नानी का घर है, तो मेरे मामा जी वहाँ रहते हैं जी। तो मेरा घर है, और जिसको एक तरीके से आप कहते हैं कि जब तक मिथिला मखान रहेगा तब तक वो घर भी अमर रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं नितिन सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस घर को चुना इस पूरी फिल्म की शूटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। पंकज जी अपने किरदार के बारे में कुछ लोगों को बताइए, क्योंकि वो और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि हर किरदार को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया हर प्लेटफॉर्म पे, तो ये किरदार के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो किरदार के बारे में बड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि उस किरदार को मैंने जी लिया वहाँ पे जी। अब उसको कैसे बताएं बड़ा मुश्किल है। हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि क्योंकि मैं जब अभिनय जब मैं करता हूँ, तो जैसे नितिन ने बोला ना कि मुझे लग रहा था कि ऐसे कैसे पंकज भैया कर लिए कि बोले अरे गाड़ी निकाल तो सिहर आ गया। मुझे खुद भी आश्चर्य लगता है कि मेरे से ये कैसे हो गया। सही बात है। अच्छा, इसीलिए मैं अपने आप को कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं एक्टर हूँ। ये जो भी लोग बोलते हैं कि मैं एक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, उनको किसी बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत मतलब मुझे लगता है होनी चाहिए, क्योंकि आप एक किरदार हो, आप एक बीइंग हो। एक्टिंग मेरे लिए क्या है ना, सेल्फ हिप्नोसिस है कि मैं फील करता हूँ कि अच्छा ये करेक्टर है, फिर डायरेक्टर आके बताता है, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर ड्रेस पहनता हूँ, फिर मैं वैसा हो ही जाता हूँ, करेक्टर ही हो जाता हूँ, फिर मैं उसी तरह से रिएक्ट करता हूँ, फिर मैं सेट पे भी रिएक्ट करता हूँ। वैसे ही मैं ब्रह्मा सिंह जैसे ही बैठा रहूंगा कि तो मुझे एक्टिंग नहीं आती है। मैं ओशो को पढ़ता सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ओशो से किसी एक्टर ने पूछा कि मुझे बहुत अच्छा अभिनेता बनना है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जिससे जीवन जी रहे। जीवन में अभिनय है और अभिनय में जीवन, ये मंत्र है जिंदगी का भी अभिनय का भी। इसलिए जो भी एक्टर बोलता है ना, जो भी बोलता है एक्टर हूँ मैं, बड़ा एक्टर हूँ, वो बीमारी है, वो इतना बड़ा बीमारी है, उसका इलाज वो खुद भी नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, और वही लोग सफर करते हैं। यार यू आर ए जस्ट ए ह्यूमन बींग, तुमको एक अभिनय आता है, तुम करके फिर और भी काम है यार जिंदगी में, और भी काम है, सिर्फ यही काम थोड़ी कि मैं एक्टर हूँ और मुकुर मैं 50 फिल्में करके बैठा हूँ, लेकिन मेरे व्यक्तित्व से कहीं भी नहीं लगता है कि मैंने इतने। आप अपने किरदार के बारे में छोटा सा ब्रीफ बता दीजिए कि क्या है किरदार और किस तरह से आपने निभाया। देखिए ऐसा कैसे निभाया है वो तो अब जनता देख के बताएगी, पर ऐसा किरदार है जो बाहर रहता है अपने गाँव से, अपने घर से, अपनी माँ से दूर, और जब वो किसी वजह से गांव आता है, उसके बाद उसके जीवन में किस तरह के चेंजेस आते हैं लाइफ में उसके, और देन हाउ ही वांट्स टू डू समथिंग, वांट्स टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी वेयर ही बिलोंग्स, उसी के आसपास की कहानी है। और बहुत ही वैसा किरदार है जो बहुत इमोशनल है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रूट्स को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, और उसको वो प्रिजर्व करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से किसी भी आम आदमी की कहानी है जो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो है इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि ये मूवी जो है जिस तरह से अभी पहले से ही हिट हो गई है, और भी ज्यादा हिट हो, लोगों को और भी ज्यादा जो है काफी ज्यादा पसंद आए, और ऐसे ही आप और भी ज्यादा फिल्में बनाते रहें ताकि हम आपका इंटरव्यू इस तरह ले सके। थैंक यू सो मच सर, नितिन सर और क्रांति सर और पंकज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
इंस्टाफीड।